नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ए टू जेड न्यूज लाइव और आपके लिए यह हाजिर है स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन जो पार्टी अपने दल के लिए ज्यादा सीट चाहता है तो ये हमको लगता है कि सबका धर्म बनता है कि उनके दल को सबसे ज्यादा ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे मिले, यह उनकी सोच होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने हैसियत से अपने औकात से ज़्यादा सीट मांग के और ज़्यादा सीटों पर लड़के जो वर्तमान है उसको बिगाड़ ले, क्योंकि लड़ाई कठिन है और हमको लगता है कि अपने हैसियत के मुताबिक ही दलों को सीट मांगनी चाहिए। और हमको लगता है कि अगर सब लोग इस फॉर्मूले को अपनाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी और सीट ज़्यादा और कम का सवाल है तो हम तो इतना ही कहते हैं कि हम लोग तो सड़क पे हैं, अब सड़क से नीचे जाने वाले नहीं हैं। इसलिए सही आकलन उन लोगों को करना है जो अच्छे मकान में रह रहे हैं। अगर उनका आकलन सही गलत हो गया तो जो मकान में रह रहे हैं वो भी सड़क पे चले आए। सर, एक सवाल और सर जी, कि हम पार्टी पहले से महागठबंधन का सदस्य है और नए पार्टी के लोग आ रहे हैं उनको सीट ज़्यादा मिल रही है और हमको मतलब उस हिसाब से नहीं देखा जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कम से कम क्या सीट मिले? देखिए ना, मैंने कह दिया है कि अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को साइजेबल सीट नहीं मिलेगा तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव में नहीं जाएगा। यह थी अब तक की खबरें। आप देश और दुनिया और गांव से शहर तक की तमाम बड़ी एवं एक्सक्लूसिव खबरों के लिए बने रहिए।